शातिर आरोपी की अवैध संपत्ति जब्त की। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि माधोगंज थाना प्रभारी ने गैंगस्टर एक्ट के शातिर आरोपी नीरज कुमार और सूरज की करीब 52 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया। जब्त संपत्ति में करीब 49 लाख रुपए का 1000 वर्ग फीट प्लॉट और एक हुंडई कार शामिल है। सूचित किया जाता है कि यह प्लॉट 1000 वर्ग फीट खसरा संख्या 1299 बनखरा सिकंदरपुर, जिसका पंजीकृत स्वामी नीरज उर्फ सूरज पुत्र मनोज निवासी ग्राम अंतदेवपुर थाना बनखरा लखनऊ को जिलाधिकारी हरदोई के आदेशानुसार मुकदमा कुमार जो है ये शातिर अपराधी है। इसके द्वारा ये जनपद लखनऊ का रहने वाला है और यहाँ मलावा में हमारे जनपद में इसके द्वारा लूट और 420 के कृत्य किए गए गैंग बनाकर, जिसके संबंध में विगत वर्ष थाना मलावा में गैंगस्टर एक्ट इसके और उसके साथियों के विरुद्ध कायम किया गया था। इसके बारे में और छानबीन करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा लखनऊ में एक प्लॉट और एक कार खरीदी गई है इसी अपने अवैध कृत्यों से, जिसका कि आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। इसी क्रम में डीएम हरदोई द्वारा इसके प्लॉट और कार को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसको पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है।